सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर तो सीखिए गर्दन कहाँ कितनी झुकानी चाहिए। संभाल कर चल नदान, ये इंसानों की बस्ती है, ये रब को भी अजमा लेते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। आज का पंचांग 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात्रि 3:08 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र शाम 6:41 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:39 से 3:06 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। करवा चौथ की शुभकामनाएं। आपको बता दें कि करवा चौथ का प्रारंभ रात्रि 1:59 से सुबह 3:08 तक रहेगा। करवा चौथ का शुभ पूजा मुहूर्त आज शाम 6:17 से 7:31 तक रहेगा। अमृत काल शाम 4:08 से 5:50 तक रहेगा। चंद्रोदय रात्रि 8:48 पर होगी। मीन राशि 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार, प्रयास करने वाले भी पहले व्यक्ति बने और उसका श्रेय लेने में भी आगे रहें। अपने आप को ज्यादा ना थकाएं और कम महत्वपूर्ण विषयों के लिए अधिक मेहनत ना करें। दूसरों को अच्छी ना लगने वाली बातें कहकर उनका दिल ना दुखाएं। अध्ययन शोध लेखन आदि जैसे कार्यों के लिए समय अनुकूल है। पारिवारिक मामलों में आपकी सुझाव को प्राथमिकता दी जाएगी। बच्चों को किसी उपलब्धि के मिलने से आप सुकून की सांस लेंगे। जरूरतमंद लोगों की भी मदद करें। अपनी क्षमता के बारे में जागरूकता महसूस होगी, इस कारण आप खुद में बदलाव करके अपने आसपास के वातावरण में बदलाव करने की कोशिश करें। अभी के समय में खुद की समस्याओं की चर्चा किसी के साथ करना संभव नहीं होगा। अपने आप को प्रेरित करते रहने की आवश्यकता होगी। काम की जगह प्राप्त हो रही प्रगति की वजह से अहंकार बढ़ने ना दें। गलत बातों में पार्टनर का साथ देना आपका नुकसान कर सकता है। हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। शरीर के विटामिन्स की भी जांच कराएं। सावधानियां, बीती हुई नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें, अन्यथा इसका खामियाजा या नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। कोई रुकी हुई या उधार दिए हुए पैसे की वापसी के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर कुछ असमंजस्य की स्थिति में रहेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। दांपत्य जीवन में शांति और सुकून माहौल रहेगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय मर्यादा बनाकर रखना जरूरी है। आप अब यह समझ पाएंगे कि आपको जिंदगी बिताने के लिए किस तरह का पार्टनर चाहिए। हाँ, आपने ठीक समझा, आपको प्यार चाहिए और आप अब पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहती। आपको वह आदमी मिल चुका है और उसे देखते ही आपकी भावनाओं का मचलना इस बात का सबूत है। अगर अपने आकर्षण के बावजूद फैसला लेने में कोई परेशानी आती है तो अपने दिल की सुने। बात करते हैं करियर की। आज आपको महसूस होगा कि अपनी नौकरी में आपको वह संतुष्टि नहीं मिली जो आप चाहते थे और आज अपनी नौकरी को छोड़ने के लिए अंतिम कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि यह एक बुरी बात नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी ढेर सारे सुनहरे अवसर आपके पास आ सकते हैं और आप जो चाहते थे वो हो सकता है। हालांकि प्रारंभिक वेतन कम हो सकता है लेकिन यह आपको प्रसन्नता मिलेगी।
इस समय व्यवसाय में फाइनेंस संबंधित कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। आर्थिक कश्मकश बनी रहेगी, किसी राजनीतिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी और आपको कोई बेहतरीन ऑर्डर भी मिल सकता है। ऑफिस में राजनीति जैसा माहौल रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आप काफी ऊर्जान्वित महसूस हो रहे हैं। यह सब आपकी नियमित व्यायाम करने तथा संतुलित भोजन का परिणाम है, जिसका पालन आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसे बनाए रखें। अगर संभव हो तो अपने स्वास्थ्य की जांच भी करा लें। जो पेशे से स्वास्थ्य प्रशिक्षक हैं, उनके लिए करियर में बहुत अच्छा समय है। आज का उपाय। आज अब गरीबों को चावल का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।